मेजर मोहम्मद अकरम शहीद मलक सखी मोहम्मद हवालदार के घर में 14 अप्रैल 1938 में जेलम से 20 मील दूर पिंड दादन खान में पैदा हुए। जब उनकी उम्र 4 साल हुई तो उन्हें गांव की मस्जिद में कारी मोहम्मद असगर के पास कुरान मजीद पढ़ने के लिए भेजा गया और जल्दी स्कूल में भी दाखिल करा दिया गया। उन्होंने निका क्लास स्कूल से प्राइमरी जमात पास की, जिसके बाद उन्हें मिलिट्री स्कूल में दाखिल करा दिया गया। मैट्रिक के बाद वो मिलिट्री कॉलेज जेलम में जेरे तालीम रहे। उन्हें अपने कॉलेज से दिली लगाव था, इसलिए उन्होंने कॉलेज छोड़ने से पहले एक भरपूर मजमून कॉलेज के हवाले से लिखा। कॉलेज से फारिग होने के बाद वो अपने वालिद की पंजाब रेजिमेंट में बतौर रिक्रूट भर्ती हुए, मगर कम उम्र होने की वजह से उन्हें पंजाब बॉयज कंपनी में भेज दिया गया। उन्होंने 1954 में फर्स्ट रोमन, फर्स्ट मैप रीडिंग और थर्ड इंग्लिश के इम्तिहानात पास किए। अच्छी कारकर्दगी की वजह से उन्हें सिर्फ 6 माह बाद कासम प्लाटून का कमांडर मुकर्रर किया गया और अगले साल तरक्की करके बॉयज के कमांडर के ओहदे पर फाइज कर दिया गया। 8 मार्च 1956 में मेजर अकरम को हुसैनी वाला सेक्टर में बॉर्डर डिफेंस के लिए मुतय्यन किया गया। 1960 में उन्होंने कमीशन के लिए इम्तिहान दिया मगर नाकाम रहे। ताहम उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके एक साथी लेफ्टिनेंट मजर हुसैन शाह ने उनकी रानुमाई की तो उन्होंने दोबारा कमीशन का इम्तिहान दिया और कामयाब हुए। अप्रैल 1967 में उन्हें बटालियन क्वार्टर मास्टर बना दिया गया। ईस्ट पाकिस्तान में राइफल्स में असिस्टेंट कमांडर की हैसियत से खिदमात सरंजाम दी। मेजर अकरम को दूध बहुत पसंद था। वो जब भी थकन महसूस करते दूध पी लेते थे, जबकि उन्हें खेलों और फोटोग्राफी का बहुत शौक था। दिसंबर 1971 को जब ऐलाने जंग हुआ तो मेजर अकरम को कोहली के मकाम पर कायम महाज पर तैनात किया गया। मेजर अकरम की कंपनी को दुश्मन के दाईं जानिब से दबाव डालने का हुक्म मिला ताकि दुश्मन पेशकदमी ना कर सके। इस नाजुक सूरतेहाल में मेजर अकरम ने आला तरीन क्यादत का शानदार मुजाहरा किया। पाक फौज चूंकि कई रोज से दुश्मन का मुकाबला कर रही थी, इसलिए असले की कमी का शिकार थी। जिस रोज मोहम्मद अकरम की शहादत हुई उस दिन उन्हें बख्तर बंद गाड़ियों की मदद भी ना पहुंच सकी, जबकि दुश्मन ने पूरी एक ताजा दम प्लाटून एक स्क्वाड्रन टैंक के साथ पाक फौज पर हमला किया। इस मौका पर मोहम्मद अकरम की बेहतरीन हिकमत अमली ने दुश्मन को शदीद नुकसान पहुंचाया। जब उन्होंने देखा कि दुश्मन का जोर बढ़ता जा रहा है और पेश कदमी कर रहा है तो उन्होंने फैसला किया कि वो दुश्मन को टैंक शिकन हथियारों से शिकस्त देंगे। इस ख्याल को अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने दुश्मन को बहुत करीब आने दिया। दुश्मन ने अपने हमलों के जवाब में खामोशी देखी तो उसे कामयाबी तसव्वुर करने लगा। 5 दिसंबर 1971 की सुबह 10 बजे वो अपनी कंपनी की कमांड करते हुए एक सिपाही के साथ दुश्मन के टैंकों की तरफ बढ़े। लगभग 150 गज बढ़कर दुश्मन के 3 टैंक तबाह कर दिए और जामे शहादत नोश किया। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद मशरकी पाकिस्तान मौजूदा बांग्लादेश में ही सुपुर्दे खाक हैं। 24 दिसंबर 1971 को उन्हें निशाने हैदर से नवाजा गया।